सब्सक्राइब करें गायत्री ज्योतिष केंद्र को, बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूट्यूब के हमारे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए वास्तु दोष निवारण का एक सरल, सिद्ध और दुर्लभ मंत्र लेके आए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, घर का वास्तु ठीक नहीं है, घर के अंदर अशांति है, रोग, डर, भय, कष्ट आपके घर के अंदर पे बने हुए हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का प्रतिदिन 8 की संख्या में जाप करने से 8वें दिन से ही इस मंत्र का असर शुरू हो जाता है और 8 महीने तक लगातार किसी भी दिन ना छोड़ते हुए यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने घर को वास्तु दोष मुक्त कर सकते हैं, वास्तु दोष से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 8 की संख्या इसलिए बताई जा रही है कि 8 यानी कि 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं यानी उनके कोण, इसलिए 8 की संख्या में जाप का बहुत बड़ा इस मंत्र का महत्व है। ध्यान पूर्वक सुनिए, 2 लाइनों का बहुत संक्षिप्त मंत्र है और ध्यान दीजिए और इसी मंत्र को आप लोगों ने जापना है। मंत्र है, ओम नमस्ते वास्तु देवेश सर्व दोष हर भव, सुखम देह शांति देह धन देह सर्व कामनाम प्रियच्छमे, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। तो मित्रों, इस मंत्र को सुबह शाम दोनों समय भी आप लोग जप सकते हैं, नहीं तो एक समय अनिवार्य तौर पे यह मंत्र आपको जपना है। और मैं बता चुका हूं 8वें दिन से ही असर होता है और 8 महीने के भीतर घर वास्तु दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह सर्व सिद्ध मंत्र है। आपको बहुत जगह पे यह मंत्र आप ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अच्छा लगे तो शेयर करिए, अच्छी जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल हमारा अच्छा लगता है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, हम हमारे वास्तु से संबंधित 2-3 वीडियो पूर्व में आ चुके हैं, हम आगे को वास्तु की एक ऐसी सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको 5-5 टिप्स देंगे कि घर के अंदर क्या चीज गलत होती है, क्या चीज सही होती है, क्या दोष के कारण है। तो इसके बारे में हम आपको आने वाली एक वास्तु की हम सीरीज निकालने वाले हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा और चैनल अच्छा लगने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।